हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑन आर स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। नाउ दिस लेक्चर इज़ फॉर ग्रेड थर्ड एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर फर्स्ट, दैट इज नंबर्स। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपैरिजन बिटवीन द टू नंबर्स। ओके, मीन्स विच नंबर इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज इक्वल्स टू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोज। ओके, फर्स्ट बेटा कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। जब भी कंपैरिजन करें टू नंबर्स को, जब भी आप कंपेयर करें तो सबसे पहले उनका कंपेयर क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स। उन दोनों नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हैं, जिस नंबर में डिजिट्स ज़्यादा होगी वो ऑब्वियसली वो नंबर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर नंबर होगा। उसमें आगे कंपेरिजन करने की ज़रूरत हमें नहीं रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए बेटा, एक नंबर है आपका ये और ये नंबर है। आपको नंबर को कंपेयर करना है और नंबर कंपेयर करके ये बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। तो सबसे पहले टास्क आप क्या करेंगे, डिजिट्स काउंट करेंगे। दोनों नंबर्स के क्या करेंगे, हम डिजिट्स काउंट करेंगे। एंड जिस नंबर में डिजिट ग्रेटर होगी वो नंबर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर नंबर होगा। चेक करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। 1, 2, 3, 4, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है बेटा, 4। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1, 2, 3। इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स अपनी है 3 और इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स है अपनी 4। तो कौन सी डिजिट्स ग्रेटर है, 4। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 4। दिस मीन्स ये नंबर हमारा क्या है, ग्रेटर। और ग्रेटर की साइड में कौन सा सिंबल होगा, ग्रेटर। इसमें टू एंड है बेटा, इस सिंबल में कितने एंड है, टू एंड है। एक तो एंड ये है स्मॉल और एक एंड है आपका ग्रेटर। तो जो ग्रेटर है, ग्रेटर नंबर है, उसके साइड में ग्रेटर वाला एंड हो जाएगा। और जो नंबर स्मॉलर है उसके साइड में कौन सा एंड होगा, स्मॉलर एंड। ठीक है ना, दो एंड है ना, एक तो बड़ा मुंह एक छोटा। ठीक है, तो जो नंबर बड़ा है वो उसके साइड में ग्रेटर माउथ ओपन होगा इस पिक्चर का, इस सिंबल का। ओके, तो कहने का मीन्स ये है कि जब भी आप टू नंबर्स को कंपेयर करो, सबसे पहले उनकी कंपैरिजन क्या होगा, उनकी डिजिट्स का कंपेयर होगा। सेकंड एक और देखिए क्वेश्चन, देखिए बेटा नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे इसमें 1, 2। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 2। इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 3। कौन सा नंबर ग्रेटर, दिस वन। ठीक है ना, जिसमें मीन्स ज़्यादा डिजिट्स होगी वो नंबर क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो कंपैरिजन करोगे नंबर का, उसमें कंपैरिजन किसका होगा, डिजिट्स का कंपैरिजन होगा। और जिसमें जितनी ज़्यादा डिजिट और उतना ही ग्रेटर नंबर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट कंपैरिजन आपका हो जाएगा डिजिट्स का। सेकंड अब सपोज डिजिट्स इक्वल हैं, डिजिट्स इक्वल है तब हम किस चीज़ का कंपैरिजन करेंगे। देखिए बेटा एग्जांपल देखिए, ओके, नेक्स्ट फर्स्ट क्या करोगे आप, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है इसमें, 4। इस नंबर में देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, इक्वल है, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है। तो अब नंबर ऑफ डिजिट्स जब इक्वल है तो हम क्या करेंगे, अभी तक हमारे दोनों नंबर क्या है, इक्वल है, दोनों नंबर क्या है, इक्वल है। अब हम करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, इस नंबर में भी 4 है और इस नंबर में भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 4 है। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, इनकी प्लेस के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू क्या करेंगे, चेक करेंगे, प्लेस के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू चेक करेंगे। देखिए बेटा, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। तो सबसे पहले जो कंपैरिजन होगा वो थाउजेंड प्लेस का होगा, कौन से प्लेस का होगा, थाउजेंड प्लेस पे। ठीक है, थाउजेंड प्लेस पे जो डिजिट है उसको कंपेयर करो। थाउजेंड प्लेस पे यहाँ कितना बेटा, 9। यहाँ पे थाउजेंड प्लेस पे कितना है, 7। कौन सा ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है, 7 ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है। मीन्स ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट
कोई भी नंबर का कंपेयर करोगे तो फर्स्ट आप क्या करोगे, नंबर ऑफ़ डिजिट्स, कि दोनों नंबर में नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितनी कितनी है, ठीक है ना। जिस नंबर में डिजिट्स ज़्यादा होगी वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अब सपोज करो कि दो नंबर है, दोनों में सेम डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट्स क्या है, सेम है, ये रहा एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है ना। तो उसमें नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, नेक्स्ट कंडीशन ये रहेगी कि आप 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे। और 1000 प्लेस पे डिजिट है वो इक्वल है, सपोज 1000 प्लेस पे जो डिजिट है वो इक्वल है, देन कंपेरिजन होगा 100 प्लेस की डिजिट्स का, ठीक है ना। सपोज 100 प्लेस की डिजिट इक्वल है तो फिर कंपेरिजन होगा 10 प्लेस की डिजिट्स का, ओके। अब 10 प्लेस पे इक्वल है तो फिर होगा वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका कंपैरिजन होगा। और अगर यूनिट प्लेस पे भी डिजिट इक्वल है मींस फिर क्या है, दोनों नंबर आपके इक्वल हैं। चलो इस टाइप के एग्जांपल लेते हैं कुछ। सी फर्स्ट एग्जांपल लेंगे हम, सी फर्स्ट एग्जाम्पल हम कंपेरिजन करना है इन टू नंबर्स के बीच में, विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर और इक्वल्स टू, यू हैव टू फाइंड दैट। तो फर्स्ट क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 3। 1 2 3 4, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 4, मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए बेटा, देखिए फर्स्ट कंपैरिजन करना है नंबर ऑफ डिजिट्स का, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बोथ द नंबर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स, दोनों नंबर में क्या है, इक्वल इक्वल डिजिट्स हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम 1000 प्लेस पे यहाँ कितना है बेटा, 5, यहाँ 1000 प्लेस पे कितना है, 7, तो कौन सा ग्रेटर है, 7 और 5, 7 इज ग्रेटर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में क्या है, इक्वल है। तो हमने सेकंड कंपैरिजन किस पे बेसिस पे किया है, 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसके बेसिस पे हमने कंपैरिजन किया है। थर्ड देखिए, देखिए बेटा, चलो फर्स्ट कंपैरिजन नंबर ऑफ डिजिट्स का, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में कितनी है, 4 डिजिट है, मींस नंबर अभी तक क्या है, इक्वल है। हमने जो अभी तक कंपैरिजन किया है उसके अकॉर्डिंग नंबर क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट 1000 प्लेस पे देखिए बेटा, 1000 प्लेस पे 9, यहाँ पे 1000 प्लेस पे क्या है, 9, तो यहाँ इस कंपैरिजन में भी दोनों नंबर्स अभी तक क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट 100 प्लेस पे देखिए, 9 9 इक्वल है ना, देन 100 प्लेस पे देखिए, 100 प्लेस पे यहाँ कितना बेटा, 4, यहाँ कितना बेटा, 5, मीन्स इसके अकॉर्डिंग विच वन इज़ ग्रेटर, 5 है या 4 है, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, मीन्स ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, देखिए फर्स्ट कंपैरिजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द डिजिट्स, 1 2 3 4, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है, 1 2 3 4, दोनों में कितनी डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है। तो नेक्स्ट कंपैरिजन क्या होगा, 1000 प्लेस पे क्या है, 6, यहाँ पे बेटा 1000 प्लेस पे कितना है, 6, मीन्स अभी भी नंबर क्या है हमारा, इक्वल है। देन 100 प्लेस पे कितना है, 7, यहाँ पे 100 प्लेस पे कितना है, 7, मीन्स नंबर अभी तक इक्वल है, हमें आगे कंपैरिजन करना पड़ेगा। और 10th प्लेस पे कितना है बेटा, 8, यहाँ पे 10th प्लेस पे कितना है, 5, ये देख, यहाँ पे 10th प्लेस पे कितना है, 8, यहाँ पे 10th प्लेस पे कितना है, 5, विच वन इज़ ग्रेटर, 8 और 5, 8, मीन्स ये पूरा नंबर अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 5, देखिए फर्स्ट क्या काउंट करोगे, डिजिट्स, दोनों में कितनी कितनी डिजिट्स हैं, दोनों ही नंबर्स में 4 डिजिट हैं, मींस डिजिट्स के अकॉर्डिंग नंबर क्या है, इक्वल है, ओके। अब 1000 प्लेस पे देखिए बेटा, 1000 प्लेस पे यहाँ कितना है, 7, यहाँ पे 1000 प्लेस पे कितना है, 7, मींस 1000 प्लेस के अकॉर्डिंग भी नंबर हमारा क्या है, अभी तक इक्वल है। 100 प्लेस पे 9, 100 प्लेस पे 9, नंबर स्टिल इक्वल।
टेंस प्लेस पे कितना है बेटा? 5। यहाँ पे टेंस प्लेस पे कितना है? 5। टेंस प्लेस पे भी इक्वल है। देन यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे यहाँ कितना है? 3। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना है? 4। कौन सा ग्रेटर है? 4 और 3 4। मीन्स ये पूरा नंबर आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए बेटा, नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में इक्वल है, 4 4 डिजिट्स है। 1000 प्लेस पे भी इक्वल है, 9 9। 100 प्लेस पे 5 5। टेंस प्लेस 8 8। एंड वंस प्लेस 4 4। मीन्स सभी प्लेस पे नंबर हमारा क्या है? इक्वल है। डिजिट्स के अकॉर्डिंग भी नंबर क्या है? इक्वल है। मीन्स दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? इक्वल नंबर हो जाएंगे। सो इस टाइप से हम कंपेरिजन करेंगे 4 डिजिट्स नंबर का। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड एन्जॉय द वीडियो ऑल्सो। ओके, एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज ऑन मंडे। ओके, थैंक यू बेटा, एंड हैव ए नाइस डे, एन्जॉय योर डे।